अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुमैरा फ्रॉम ग्रुप 4. टुडे माय टॉपिक इज अबाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन हेल्थ केयर मार्केट. गवर्नमेंट हेल्थ केयर मार्केट में किस तरह से इंटरवेंशन करती है, हम इस चीज को आज डिस्कस करेंगे. तो मेरा सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज द गवर्नमेंट इंटरवेंशन. गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज द रेगुलेटरी एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट दैट सीक्स टू चेंज द डिसीजंस मेड बाय द इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स. इन इजी वे में अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है रेगुलेटरी एक्शंस लेती है. अगर कोई भी गैर जरूरी तब्दीलियां आ रही हो, मींस को कोई गैर कानूनी काम हो रहे हो, कि ऐसी चीजें जो कानून के खिलाफ काम हो रहे होते हैं, तो उन आया तो इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हो रहे हो जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हो इन द सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स में, तो गवर्नमेंट उसको इंटरवेन करती है, उन चीजों को स्टॉप करती है ताकि इक्वालिटी आ सके और किसी भी तरह की मोनोपोली को रोका जा सके. तो इसमें सबसे ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि एक तो मार्केट में किसी भी तरह की मोनोपोली को रोकती है, करेक्टनेस लेकर आती है, और इसके अलावा जनरल इकोनॉमिक फेयरनेस लेकर आती है, उसको प्रमोट करती है, और मोस्ट कॉमनली ये सोशल जो वेलफेयर होती है उसको मैक्सिमाइज करती है. इसके अलावा इसका बेसिक एक और पर्पस ये है कि प्रमोट करती है अपनी गोल्स को, जिसमें नेशनल यूनिटी एंड एडवांसमेंट आती है, यानी हर जगह इक्वलिटी लाती है कि अगर किसी को भी हकूक मिल रहे हैं कोई भी किसी भी तरह के, तो राइट सबके लिए इक्वल हो, कोई किसी भी तरह की दर्जाबंदी ना हो और ना ही किसी की इजारादारी हो जो किसी के हकूक किसी से छीने. फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल ऐसी, जिस तरह से शुगर और एक वीट की हम मिसाल लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मार्केट में इन चीज़ों की किल्लत हो जाती है और वो उन चीज़ों को छुपा लेते हैं और अपनी ही मर्जी के प्राइस पे और अपनी मर्जी की क्वालिटी की चीज़ों को बेच रहे होते हैं. जिस तरह के अक्सर केसेस में देखने में आया कि गंदुम अंदर से खोखली होती है और उसका दाना जब वो लोग खरीद लेते हैं महंगे पैसों पे, तो जब वो उसको पिसवाते तो वो गंदुम वैसी नहीं होती जैसे एक्चुअल होती है. तो इस तरह से लोगों को नुकसान होता है, यानी वो एक लो क्वालिटी की चीज़ महंगी क्वालिटी एक महंगे प्राइस पर बेच रहे होते लोगों को, इसी तरह से नुकसान होता है. तो गवर्नमेंट ऐसी इस तरह की मोनोपोली को रोकती है. नेक्स्ट में आता है पब्लिक प्रोविजन. पब्लिक प्रोविजंस क्या चीज़ होती हैं? पब्लिक प्रोविजंस मीन्स ऐसी सहूलियात जो गवर्नमेंट लोगों को फराहम करती है उनकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, और उन्हें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ये सबको इक्वली प्रोवाइड की जाती हैं. किसी भी तरह की दर्जाबंदी नहीं होती, कोई इंडिविजुअल प्रेफरेंस नहीं होती. इनमें कम्युनिटी गुड्स एंड कलेक्टिव गुड्स आ जाती हैं, जिस तरह के हम कह सकते हैं कि डिफेंस है, स्ट्रीट लाइटनिंग है, फ्लड कंट्रोल सर्विसेज होती हैं, म्यूजियम पार्क्स एंड मोटरवेज होते हैं, ये सब के लिए इक्वली होती हैं ताकि हर बंदा इसे फैजियाब हो सके, हर एक को इसे फैसिलिटेट हो सके इन सर्विसेज से. नेक्स्ट में आते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन. इसके फॉलोइंग टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले टाइप आती है इन्फॉर्म करना. इन्फॉर्म और परसुएड. परसुएड मीन रागिब करना. गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉपर वेज बनाए थे, कुछ तरीकेकार होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड होते हैं, जो कि गवर्नमेंट कहती है कि कंज्यूमर सप्लायर्स हों या प्रोवाइडर्स हों जो उन तरीकों को फॉलो करें. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसके पहली टाइप कहते हैं कि पब्लिसाइज द हेल्थ केयर रिस्क. अब एक स्मोकिंग सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, तो गवर्नमेंट कहती है कि जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इस बात को मेंशन करे कि जो सिगरेट नोशी है ये सेहत के लिए मुजर है. जैसे अक्सर लिखा हुआ भी हम लोगों ने देखा होता है कि उसमें लिखा होता है माउथ कैंसर, लंग कैंसर, अदर रेस्पिरेटरी डिजीज ये फैलाती है. तो लोगों को पता चले कि अगर वो ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उससे इनके इससे नुकसान कितने ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट में आते हैं स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिजीज पैटर्न, जैसे स्वाइन फ्लू या फिर कोई और डिजीज, पोलियो डिजीज हो सकती है. आजकल कोरोना का आंसर बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा हेपेटाइटिस है, एड्स है, डिफरेंट डिजीजेस होती हैं, और द रिस्क ऑफ द मेडिकल प्रोसीजर्स, यानी लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना. लोगों में पहले इस तरह की अवेयरनेस नहीं थी. लोग ये सोचते थे, पेरेंट्स स्पेशली सोचते थे कि पोलियो की कतरा अगर उनके बच्चे पिएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, तो वो उसे अवॉइड करते थे. तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इंटरवेन किया, उसकी रोकथाम की, और लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए डिफरेंट तरह से इलाकों में जहाँ पे गवर्नमेंट ने देखा कि अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे अपनी टीम्स भेजी, एड्स दिए, एड्स के थ्रू लोगों में अवेयरनेस फैलाई ताकि उनको उनके खतरा इस तरह के खतरा से बचाया जा सके और उनमें अवेयरनेस आएगी. कोरोना में आजकल देखें कितने ज़्यादा कमर्शियल आ रहे, छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े तक के लेवल के लोगों के लिए भी कमर्शियल्स बनाए जा रहे ताकि उनको अवेयरनेस आए इसके बारे में, कैसे बच सकते हैं और कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स को वो अपना सकते हैं. नेक्स्ट टाइप इज रेगुलेशंस. What is regulations? Regulation are the laws developed by the government. If someone violated, he and she get
फाइन और पेनल्टी, यानी अगर कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे फाइन भरना पड़ेगा, पेनल्टी होगी। गवर्नमेंट लोगों को बताती है कि काम किस तरह से करना है, यानी कोई भी प्राइवेट इदारा हो या चाहे उसके अपनी इदारा हो तो हर एक की इदारे के लिए रेगुलेशंस होती हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बात चल जाती है, कोई ऐसी कौन सी सर्विसेज होती है जो हार्मफुल इनके इफेक्ट्स आ रहे होते हैं ह्यूमन हेल्थ के हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट ने ह्यूमन हेल्थ के लिए भी लॉज बनाए होते हैं, अगर वो उसको वायलेट कर रहा होता है तो वो गवर्नमेंट उनको बैन कर सकती है। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं, बहुत से ऐसे फूड्स होते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को बर्बाद कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट उसको बैन कर देती है। इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ स्टैंडर्ड्स क्रिएट करती है। तो पहले स्टैंडर्ड क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं बेसिकली क्वालिटी, क्वालिटी विच इज द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। स्टैंडर्ड्स होते हैं फॉर द डॉक्टर्स एंड द ड्रग ट्रायल्स। डॉक्टर्स के लिए मैंने विदाउट लाइसेंस वो काम नहीं कर सकते किसी भी हॉस्पिटल्स या किसी भी हेल्थ केयर सर्विसेज में। और ड्रग ट्रायल्स यानी कोई भी ड्रग अगर मार्केट के अंदर आती है तो वो विदाउट टेस्ट की जब तक उसके अंदर 99.9% उसके प्रूफ नहीं हो जाती कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है, वो बिल्कुल सेफ टू यूज़ है, तब तक वो मार्केट के अंदर नहीं लाई जाती। अगर ड्रग ऐसी आ जाएगी तो वो जाहिर लो क्वालिटी होगी और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे और ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करेगी और डेथ रेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज रेगुलेट इंश्योरर टू प्रोवाइड द सर्टेन इंटरवेंशन। मीन्स के इंश्योरर्स क्या होते हैं, जो ऐसे कंपनीज होती हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड प्लान्स बनाती हैं, हेल्थ कवर प्लान बनाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स ने किसी कंपनी से कोई प्लान लिया लेकिन उसको उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें नहीं मिली, जैसे वो जिस तरह से उसको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, तो वो गवर्नमेंट से इसकी शिकायत करेगा, गवर्नमेंट से कहेगा कि उसको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला, तो गवर्नमेंट उसको भी इंटरवेंट करेगी ताकि उस इस तरह के प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सके। बेसिकली यहाँ गवर्नमेंट का काम है कि वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रख रही है और ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से फैसिलिटेट किया जा सके। नेक्स्ट इज मैंडेट। अब मैंडेट क्या होता है, मैंडेट को समझने के लिए सिंपल एग्जांपल ये, जैसे हमें टीचर्स टास्क कहते हैं कि अगर आप 80-90% मार्क्स ले लेते हैं तो आपके पास बेहतर चांस है कि आप 4 GPA स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट का भी एक मैंडेट होता है हेल्थ केयर सर्विसेज के हवाले से, कि गवर्नमेंट के कहती है कि अगर हॉस्पिटल्स में कोई हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं तो 100% सब लोगों के लिए प्रोवाइड हो इक्वली और वो उसके लिए पे नहीं करेंगे। जैसे कि फ्री मेडिकल चेकअप्स होते हैं तो वो उसके लिए पब्लिक पे नहीं करेगी, या फिर मेडिसिन फ्री मिल रही होती है तो वो उसके लिए पे नहीं करेगी। समटाइम्स क्या होता है फ्री ब्लड टेस्ट होते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट जो होती है सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है कि जिसमें लोगों के फ्री ब्लड टेस्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए दी जा रही होती हैं। और इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल जैसे कि एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अपने हेल्थ केयर जो भी अपनी कंपनी होती है उसके उसमें रैंक के मुताबिक अकॉर्डिंग टू रैंक वो अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दे ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रह सके और चिल्ड्रंस की इम्यूनिटी के ऊपर भी स्कूल लेवल पे फोकस किया जा सके, जो कि हमारे यहाँ नहीं किया जाता, मोस्टली इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन एंड मैंडेट अपील टू लेजिस्लेटर्स। बेसिकली लेजिस्लेटर्स क्या होते हैं, लेजिस्लेटर्स कानूनदान होते हैं, वो शख्स जो आपकी अपील को सुनते हैं और फिर आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं जो भी आपकी अपील हो। जिस तरह से मैंने ऊपर एग्जाम्पल दी कि वो शख्स जो एक शख्स जिसने इंश्योरेंस कंपनी से एक हेल्थ कवर प्लान लिया लेकिन इस वजह से उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज नहीं मिल सकी, तो उसने गवर्नमेंट से अपील की थर्ड पार्टी के हवाले से, तो गवर्नमेंट ने आगे से यानी उसको इंटरवेंट किया, एक्शन लिया उसके अकॉर्डिंग। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैकल करती है प्रॉब्लम्स को, यानी प्रॉब्लम्स से निपटती है कि किस तरह से अगर एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो उसे कैसे ओवरकम किया जा सके। अगर किसी भी एरिया में हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो वहाँ पे उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज किस तरह से प्रोवाइड की जा सके, तो उसके लिए फाइनेंस जो आता है वो पब्लिक फंड्स के थ्रू आता है, जो हम टैक्सेस देते हैं पब्लिक गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक के लिए होता है। और ये डिलीवरी जो होती है एवरी पर्सन के लिए होती है, फॉर द कॉमन पर्सन के लिए होती है, ताकि सबको इक्वली वो फैसिलिटीज मिल सके। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोवाइड। प्रोवाइड क्या होती है, प्रोवाइड हेल्थ डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसमें हमारे पास गवर्नमेंट जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं जितना हेल्थ सेंटर्स होते हैं और मेडिसन्स होती हैं, ये सारी चीजें गवर्नमेंट जो करती है ये पब्लिक के पैसे के थ्रू करती है, यानी जो हम टैक्सेस उनको पे करते हैं। और ये सारी फैसिलिटीज जो होती हैं अगर हम एज कम्पेयर टू अंडर डेवलप कंट्री की बात करें, डेवलप कंट्रीज में मोस्ट कॉमन होती हैं और वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड की जा रही होती है, प्रॉपर वे होता है लोगों को प्रोवाइड करने के लिए और हर पर्सन को एक प्रॉपर वे में प्रोवाइड की जा रही होती है और उनका स्टैंडर्ड और SOPs को फॉलो करते हुए वो लोगों को दे रहे होते हैं, लेकिन अंडर डेवलप कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा टैक्सेस एंड सब्सिडीज की बात करें, टैक्सेस
उस सूरत में होते हैं, जिस तरह के सिगरेट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो जाए तो इसके असरात बहुत ज्यादा मुहलिक होते हैं इंसानी सेहत के हवाले से, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस बढ़ा देती है ताकि उसका इस्तेमाल लोग कम कर सकें। जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो चीज़ों पे प्राइस रेट बढ़ जाएगा, तो इससे गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि 70-80% एटलीस्ट लोग इसका इस्तेमाल कम कर दें या उससे भी ज़्यादा। तो जब इस्तेमाल कम करेंगे तो इसके हार्मफुल असरात जो है वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा सब्सिडीज तब देती है जैसे कोई गुड्स हो, बहुत ज्यादा से सोलर सिस्टम हो, या फिर कोई ऑटोमोबाइल्स के हवाले से बात की जाए, या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनिक फूड हो जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, कोई ऐसी मेडिसिन हो तो जो कंपनी बना रही हो तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, या फिर कोई ऐसी फूड हो जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल हो तो गवर्नमेंट उसको बैन करती है या फिर टैक्सेस उस पर बढ़ा देती है, जैसे कि डायबिटीज कोई फूड क्रिएट कर रहा हो उसके हवाले से। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स वो चीज़ है जैसे पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स। किसी भी एरिया में चाहे कोई कंट्री है या फिर कोई छोटा एरिया जैसे कोई सिटी है, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स को प्रोवाइड सप्लाई करें, वहाँ उनको इन चीज़ों से सर्टिफिकेट कर सके करे उन उस आवाम को, तो इसीलिए पब्लिक गुड्स में आ जाती हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं आम आवाम तक आसानी से मतलब आम आवाम जो है उसको अवेल कर सके, रसाई उसको एक्सेसिबल हो, मीन्स की वो हासिल कर सके। सबसे पहले चीज़ आती है जैसे कंट्रोल ऑफ डिजीज पाथ। फॉर एग्जांपल कोई किसी एरिया में बहुत ज़्यादा डिजीज फैल रही है, जैसे कि कोरोना के हवाले से देख लें या मलेरिया फैल रहा है, पोलियो फैल रहा है, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर उसको इंटरवेंट करे उस एरिया में आके और उन लोगों को मेडिकली लिहाज से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, जो कि गवर्नमेंट करती भी है। नेक्स्ट में आता है फूड एंड वाटर सेफ्टी। फूड एंड वाटर सेफ्टी फूड इंस्पेक्शन अथॉरिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि वो क्वालिटी ऑफ फूड को चेक कर सकें कि इन रेस्टोरेंट्स में जाके, स्टॉल्स पे जाके, होटल्स में जाके कि किस तरह की क्वालिटी क्या क्या आया, वहाँ पर सफाई का निज़ाम सही है, क्या क्वालिटी ऑफ फूड सही है, या पानी जो है वहाँ पे सप्लाई हो रहा है वो बिल्कुल साफ है, पीने का पानी बिल्कुल, ताकि लोगों की हेल्थ वगैरह सही है, या उससे नुकसान तो नहीं हो रहा लोगों की हेल्थ को, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। और इसके अलावा आता है नेक्स्ट में नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और गवर्नमेंट इसको मेंटेन करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करती है ताकि पब्लिक का ट्रस्ट मेंटेन रह सके, क्योंकि अगर डिफेंस सिस्टम अच्छा होगा तो पब्लिक ट्रस्ट भी ज़्यादा होगा। इससे जिस तरह की एग्जाम्पल है जैसे कराची में लोगों का टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लूटमार इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी थी, दूसरे शहरों में जाकर रहना शुरू कर दिया था, तो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था, तो गवर्नमेंट ने और आर्मी ने वहाँ पर ऑपरेशन किया और उस इलाके को सेफ किया ताकि लोग वहाँ आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। तो अब कराची सेफ है ऐसे मुश्किल हालात में का सामना करते हुए, और नेशनल डिफेंस जो है मुल्क का बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट हर तरह का स्टेप लेती है। सर मेरा यहीं तक था।